सो राइट गाइस, तो आ गया है अपना 2 दिन और कुछ घंटे इंतजार करने के बाद, क्योंकि इस डिलीवरी को निकले हुए 4 से 5 घंटे हुए थे। 3 बार से इंतजार कर रहा था कब आए कब आए। तो अपने हाथ में आ चुका है एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर क्या है उसी के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ। तो अपन करते हैं इसे ओपन, ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या निकलता है। प्यार से बिल्कुल आराम से करेंगे, कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। और अब वो तो आप थंबनेल देख के आ ही गए हो क्या है इसके अंदर, बस वही है और क्या। अब अपन देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग क्या क्या मिलता है, ठीक है। ये हो गया, क्या लिखा आ रहा है इसमें पढ़ना जरा, येलो येलो कलर में, पोको X3 प्रो स्नैपड्रैगन 860। चलो डिब्बे करो जरा साइड में, ये रहा ब्लैक एंड येलो, वाओ। पीछे अगर स्पेसिफिकेशन बात करें तो पोको X3 स्नैपड्रैगन 860 120Hz, ओहो, गोरिल्ला ग्लास 6, सही है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, ओके, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, हाँ ये तो हमें चाहिए साला, हमारा गेम हीट होता तो। ये मेरा है 6128 वाला, ठीक है। तो जरा इसे भी ओपन कर लूँ बिना समय गवाए, अपन अपने पोको को देखने के लिए तरस रहा है, क्योंकि अभी तक जिस मोबाइल में खेलता था वो था मेरा रियलमी U1, ठीक है। वो कितने का, वो 10 का लिया था, ओके, इसके अंदर कुछ नहीं, सही है, एक नंबर देखने में। तो ये देखो व्हाट इनसाइड इट, क्या है इसके अंदर, आहा, पढ़ने लिखने की चीज़ है, पढ़ लो क्या लिखा है इनने। अरे इनने क्या लिखा है, देखो ये देखो तुम, कि तुम इसमें एक सिम और एक कार्ड डाल सकते हो या 2 सिम डाल सकते। अरे यार कुछ नहीं चलता इसके अंदर, वाओ, एक वाइट कलर का अपन को कवर देखने को मिल जाता, सही है, अल्लाह कवर तो आना चाहिए, कवर तो मेन चीज़ होता है। उसका कवर भी यही है, वो पूरा येलो हो गया रियलमी वाले का, ठीक है, अच्छे से रखता हूँ गंदा ना हो जाए मेरे कवर। ये रहा मेरा महंगा आइटम जिसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, ख़त्म हो गए मेरे पैसे इसमें, आजा बाहर। हाँ ये मेरा बिल, ठीक है, बिल मेरे को डिस्काउंट ले लिया मीन सभी, या फ्लिपकार्ट सेल चल रही थी इस चक्कर में, ओके। इसमें से निकला एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा चार्जर MI का। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 100-120 volt इनपुट लेता है, आउटपुट देगा आपको 5 volt 3 एम्पियर, भाई 3 एम्पियर बहुत होते हैं, 9 volt 2 एम्पियर पर 12 volt आउटपुट बहुत होता है भाई, 1.5 मतलब 12 वोल्ट तक का आउटपुट दे सकता है जैसे अपन वो। अरे तो गाइस इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने जरा पास से पढ़ी, तो पास से पढ़ने में देखा गया कि 20 वोल्ट भाई 20 वोल्ट तक का आउटपुट दे सकता है ये चार्जर, वो बहुत अधिक हो जाता है, मीन 24 या 30 वोल्ट के तो अपने लैपटॉप के चार्जर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया। चलो कोई नहीं, ऑरेंज कलर की इसकी USB है, अच्छी बात। अब आते हैं USB केबल, साइज़ देखेंगे हम कितनी बड़ी है, पहले तो ऑरेंज कलर का इसका भी है, साइज़ लगभग कितने होंगे 1.5 मीटर या 1 मीटर इतने के समथिंग है, हाँ 1 या 1.5 मीटर के समथिंग USB केबल है, नाइस, अच्छी बात है। और कुछ इसमें मिलता है कि अपने को और कुछ, अरे हेडफोन वगैरह कहाँ है भाई, लिखते तो हो तुम। चलो अब इसमें देख लेते हैं, ये पेन है इसकी, ये रही पेन, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, ठीक है, ये पेन हो गई। अब अपन खोलेंगे अपने मोबाइल को, मोबाइल को खोलते हैं ज़रा, पोको X3,
देख लो ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वाड कैम ओके। इसमें अगर आपको बता दूं इसमें एक जो 48 मेगापिक्सल वाला है ना वो ये रहा, वाइड एंगल ये रहा, ये माइक्रो है ये डेप्थ है, ठीक है ऐसा होता है ये 48i सुपर कैमरा। शाइनिंग देखो गाइस क्या मस्त लग रहा, एक नंबर लग रहा है देखने में तो, अपने बिल्कुल झक्कास देखो। और ऐसे हम बात करें ये रहा देखो, फ्लैश लाइट बंद कर दूँ तो ऐसा दिखता है वो। अब आया आपको सही लुक आया, बिल्कुल परफेक्ट लुक है ना। चल और अभी बता फ्लैश ऑन करके चल नहीं, ठीक है भाई ये आ गया। इसमें वजन बता दूँ तो ये 250 ग्राम के समथिंग वजन है इसका, ठीक है। और इसमें एक अच्छी चीज़ है, इसमें वो आती है ना पतली सी जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है, बिल्कुल मतलब जो पतला सा स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है ना, इसमें बिल्कुल थिन वो मैं इमेज डाल दूँगा इसकी, वो लगाया है वो बहुत अच्छी चीज़ है साल, नहीं तो बहुत मोबाइल में वो भी नहीं देते। अभी एक हमने मंगाया था कौन सा सैमसंग M12, उसमें तो वो भी नहीं था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं, मैं लास्ट में ऊपर नीचे सब जगह उसके लिंक दे दूँगा। तो आप करते हैं इसे ओपन, उससे पहले अपन देख लेते हैं इसके फीचर्स। तो इसमें एक ये सेंसर है, ठीक है, ये नॉइज़ रिड्यूसर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये अपना एक स्पीकर मीन्स डुअल स्पीकर है ना इसमें गेमिंग के रिगार्डिंग। उसके बाद नीचे की तरफ चलते तो नीचे आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, एक माइक मिल जाएगा, एक USB-C टाइप पोर्ट मिल जाएगा आपका चार्जिंग पोर्ट, उसके बाद 3.5 mm जैक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम अप डाउन, बस यही कुछ था। तो इस पर मैं सबसे पहले लगा देता हूँ कवर, गंदा ना हो जाए हमारा मोबाइल, बहुत महंगी चीज़ है, ठीक है। अरे लग जाओ, नहीं 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 सबसे पहले इसमें मैं डालूँगा सिम, सिम तो यार बाद में डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अभी तो मैं कर लेता हूँ इसे ओपन, वाह गंदगी से बचाएगा। वो कवर इसका जो है ना कवर आप देख पा रहे हो तो ये डेप्थ है मीन्स उठा हुआ है ये, अच्छा। अब कर लेता हूँ इसे ऑन, पावर ऑन करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट दिन में इसकी मीन्स जो गेमिंग है ना अपना VGMI उसके ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा इसमें कैसा चल रहा है। और आज रात को अपना टूर्नामेंट भी मीन्स है मेरा, तो मैं आज उसे इससे करूंगा। अब वीडियो तो एक दिन डिले आएगा ही आएगा, सही है ना। तो ये हो गया अपना ऑन, MIUI 12 इंग्लिश बोलते हम, इंडिया में हैं हम, सेटिंग रीजंस, ठीक है सही है मोबाइल अच्छा है। वो तो अब कैमरा वगैरह अपन देखेंगे कैसा है कैमरा वगैरह, फ़ोटो वगैरह मैं डाल दूँगा नेक्स्ट जब भी। स्किप करो नहीं करना मुझे। वाईफाई 5 GHz तक सपोर्ट करता है, ये बहुत सही चीज़ है, बिल्कुल 5 GHz तक सपोर्ट, ठीक है गाइस। ये आ गया हमारा 5 टाटा स्काई का 5 GHz, ठीक है। तो मैं इसे बाद में कर, अभी तो मैं सब स्किप कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम बाद में जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। स्किप सब स्किप कर दो, अभी कुछ सेटअप नहीं करना मेरा, सब स्किप कर, सेटअप कंप्लीट, यू आर रेडी टू रॉक। और धमाल मचाने के लिए आप सभी तैयार हैं, तैयार हैं। ये ओपन होता है अपना, ओके आई लाइक इट, ये कलर भाई ये देखो तुम, इसका वॉलपेपर क्या मस्त वॉलपेपर है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ए इधर आना। और गाइस देखो तुम वॉलपेपर देखो क्या मस्त लग रहा है यार इसका रेड रेड। उसके बाद अगर अपन इसका ऐसे व्यू एंगल चेंज करते हैं ना तो उसमें ऑरेंज येलो ऐसा कलर भी आता है थोड़ा बहुत, सही है। अब स्मूथनेस इसकी बात करें बहुत सही चल रहा है बिल्कुल। अरे मुझे वो रियल में चलाता था उससे तो यार ये क्या लग रहा है मुझे कुछ हद से ज़्यादा यार, वो तो पता नहीं कितने हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट थी उसकी, ज़्यादा 60 या जितनी भी थी, हाँ 60 की समथिंग होगी। ये 120 है, अगर अपन इसमें देखें 120 रिफ्रेश रेट, उसका भी इसमें एक ऑप्शन आता है, ठीक है देखते हैं अपन। अरे यार अपडेट ठीक है, तो अपन मिलेंगे इसको नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट वीडियो में जब इसके सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 GB RAM है इसमें, देखेंगे फिर अपन अभी।
फिर क्या होता है, अभी तो आप ऐसे ही इंजॉय करो। यही था, देखने में तो मस्त लग रहा है। और मैं फ़ोटो मोड डालूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है, साइड में। बस हाँ, प्लीज़ अपडेट, अपडेट पे चल रहा है, ठीक है। तो अपडेट करने के बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन इसके करेंगे BGMI टेस्ट, ठीक है गाइस। नहीं तो आप नाइट में आ जाओ, 9 बजे आपको मिल जाएगा, ये लाइव देखने को मिलेगा। चलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी आपको इस प्रो के बारे में फीचर्स चाहिए बता दें, कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। चलो बाय बाय, टाटा।